लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस पहाड़ी व्लॉग में। जा रहे हैं इस्कॉन टेंपल, कानपुर के इस्कॉन टेंपल, जो कि श्री कृष्ण भगवान जी का है। और अब बाकी इसे बताएंगे। इस्कॉन टेंपल में फेमस तो भगवान ही है, जो हर जगह फेमस है, तो वहाँ पर भी भगवान मिलेंगे हमें। हम जाएंगे, शायद हमें आरती देखने का मौका मिले, फिर हम वहाँ से कुछ खाते पीते हुए घर की ओर लौट को आ जाए। हाय फ्रेंड्स, आप लोग अभी इस समय कानपुर में हैं और हमारे घर में हमारे जीजा जी आए हुए हैं। हम लोग अभी थोड़ी देर में इस्कॉन टेंपल के लिए निकलेंगे, जो कि बहुत ही आप लोग को पता है इस्कॉन टेंपल के बारे में, कृष्ण जी के ऊपर वो मंदिर है। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाएंगे वो मंदिर कितना सुंदर है और उसके अद्भुत नज़ारे आपको भी देख। तो फ्रेंड्स, आज प्रिंस बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि ये भी हमारे साथ घूमने जा रहा है। जा रहा ना बाबी, कितना मजा आ रही, कितना मजा आ रही। अरे बाप रे, कितनी खुश हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं इस्कॉन टेंपल। ये कृष्ण जी का बहुत फेमस मंदिर है और काफी भीड़ लगी है और मंदिर तो भव्य है, दिल खुश हो गया। आपको भी दिखाते हैं कुछ नज़ारा इस तरीके से, बहुत तगड़ा है व्यू। तो कुछ इस तरीके से मंदिर की एंट्री। फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से है यहाँ का मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा है यार। दोस्तों कुछ कह नहीं सकता, मगर अंदर अलाव होगा नहीं होगा इसका मुझे पता नहीं। हम अंदर से आ गए हैं दर्शन करके, टाइम की शॉर्टेज होने के कारण हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर देख पाए, लेकिन फिर भी हमें भगवान जी के दर्शन हो गए। तो जो वो द्वार हैं, द्वार तीन द्वार हैं वहाँ पे, उनका खुलने का टाइम था 8:15, तो हम लोगों को दर्शन हो गए हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम था, इस वजह से हम लोग वहाँ पे सत्संग भी चल रहा था। और जो हम वहाँ पे लोगों से जान पाए हैं, जो वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, ये एक गुरुकुल टाइप है। गुरुकुल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो यहाँ पे छोटे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, और अभी भी काफ़ी लोग, काफ़ी छोटे बच्चे थे जो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो फ्रेंड्स, मंदिर काफ़ी सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतना सुंदर मंदिर होगा, बहुत ही अच्छा है। और पूरा अंदर से लेके बाहर तक पूरा संगमरमर से बना है। हम वहाँ ऐसा इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे कि वहाँ से आने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करें, टाइम कम था और हम लोगों को घर से ही लेट हो गया था, जिस वजह से हम यहाँ भी लेट पहुँचे। हमारे पास सिर्फ आधा घंटा था जिसमें हमें दर्शन भी करने थे और सारा कुछ देखना भी था, जानना भी था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। और कभी ऐसा मौका मिला तो, अगर कभी कानपुर आने का दोबारा मौका मिला तो हम जरूर दोबारा यहाँ आएंगे, बहुत ही अच्छा है। और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू।